एके मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक है, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये राजनीति की स्थिति आखिर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आखिर क्यों। एके मिश्रा साहब और साथ ही साथ वकार भट्ट, मैं आप दोनों को लेकर आऊंगा। वकार साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट आप हैं, आप एक कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर यहां पर बैठे हैं और कश्मीर में तो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, फिर तो सबकी आवाज उठना जरूरी है। फिर टारगेट करके एक एक करके क्यों मारा जा रहा है कश्मीरी पंडितों को, तीन दशक पहले भी और आज एक बार फिर से भाई? जी जी, बदकिस्मती यहाँ जम्मू कश्मीर के खासकर मुसलमानों की ये है कि जब मुसलमानों की टारगेट किलिंग होती है तो मुसलमानों की चर्चा नहीं होती दिल्ली में, तो जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि मुसलमानों को भी मारा जाता है कश्मीर में भी, पीर पंजाल में भी और जम्मू में भी। मिश्रा जी जवाब दीजिए इस पॉइंट पर जरा। नहीं देखिए, दो चीजें हैं, जो टेररिस्ट है उनका क्लियर कहना है कि ये जिहाद है और जिहाद का एक जिहादी पॉलिटिकल विंग होता है, वो अपने हिसाब से एकदम क्लियर है कि हमें क्या करना है, घाटी से हिंदुओं को भगाना है। यही रीजन है, इनसे पूछिए कि घाटी से कौन भागे, हिंदू भागे हैं कि मुसलमान भागे हैं, और कितने हिंदू भागे हैं और कितने मुसलमान भागे हैं, इसका भी डाटा इनसे ले लीजिए। ये क्यों इस चीज को छुपाना चाहते हैं या क्या एंगल देना चाहते हैं, जबकि टेररिस्ट एकदम क्लियर है अपने मकसद को लेके, अपने आइडियोलॉजी को लेके। दूसरी इनकी एक पीड़ा मुझे ये समझ में आ रही है, बोलते साहब कोई मुसलमान मर जाता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, अरे पूरा देश चर्चा करता है। और एक काउंटर सवाल इनसे मैं पूछता हूं, मुसलमान जब वहां मरते थे जैसे बुरहान वानी, लाखों लोग जनाजे में शामिल होते थे और उसको शहीद का दर्जा अपना क्या क्या नारे दिए जाते थे, इनसे पूछिए कितने आतंकवादी मरे हैं जो जनाजे निकलते थे उसमें कौन शामिल होता था, और इतने हिंदू मरे हैं उनके जनाजे में या अंतिम संस्कार में कभी ऐसी भीड़ लगी है, ये गए हैं कभी नेता लोग? ठीक है, इसी सवाल का जवाब लेता हूं, आपने बहुत वाज़ह पॉइंट उठाया वकार साहब। जी जी, मैं इनको जवाब दे देता हूं, इन्होंने बुरहान वानी के जनाजे पर लाखों लोग जुड़ते हुए देखे हैं, लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि रजौरी पीर पंजाल में जो ये कल से अभी तक 5 हिंदुओं की एक बच्चे की जान गई है, रजौरी 70% मुसलमान है और पूरा मुसलमानों ने रजौरी पुंछ को बंद किया हुआ है, दुकाने बंद हैं और जुलूस निकाला हुआ है, पूरे मुसलमान बाहर हैं, उन तमाम हिंदू फैमिली जो इस टाइम विक्टिम है उनके साथ खड़े हैं और मैं भी रजौरी से हूं, मेरे घर के, सुनिए सर सुनिए, पहले बहुत बोल चुके आप, और मेरे घर से 15 किलो मीटर दूर है ये, जो ये घटना हुई है, ये दर्द मैं फील करता हूँ, आप दिल्ली बैठ के दिल्ली करते नाम करते हैं लोग साहब, समस्या को जो इसलिए बात उतनी बड़ी है जितनी हमें पड़ जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें हिंदू मरे तब भी सीधे सीधे मानेंगे नहीं कि हाँ ये रोग ये है। सुनिए ना, आपने काउंटर किया, हमें हिंदू मरे तब भी दुख होता है, मुसलमान मरे तब भी दुख होता है, मरता जब आतंकवादी मरने में होगा, ठीक है हमें नहीं होगा, अगर कोई आप नहीं, आपको नहीं होता तो हम उसके चर्चा में करके एमएलए एमपी मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, बनते हैं दुनिया ने देखा है कि आतंकवादियों के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ लगाई, रियासत के बच्चे हैं, वो भीड़ कोई पाकिस्तान से बड़ी आती है, माँ बहनें मरती हैं, इसलिए टीवी पर चर्चा करने से आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ कहां से आती थी, क्या आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ कहां से आती थी, मुझे ये बताइए यार, क्यों सपोर्ट उनको मिलता था? भाई साहब मेरे यहाँ तो महात्मा गांधी को आज लोग गालियां देते हैं और नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जब देश का नहीं कोई महात्मा गांधी देता है, हम बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, नहीं देता है जो बात अभी मिश्रा जी कह रहे थे, मैं वही लेकर आगे आ जाता हूँ, जब बुरहान वकार साहब ने कहा कि वहां पर मुसलमान मरते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करता, बुरहान वानी की मौत हुई उसके पीछे लाखों का जनाजा था, लाखों लोग वहां पर थे कश्मीर के अंदर, यहां बीते कुछ महीनों में दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा जा चुका है, हमने तो नहीं देखा कि कोई मूवमेंट चलाओ। ये मुझसे पूछा? नहीं, मैं रूही भट्ट के पास जा रहा हूं जी। सवाल मेरा यह है कि बुरहान वानी की मौत होती है, उसके पीछे लाखों का एक जनाजा होता, लाखों लोग शामिल होते हैं, पूरा मूवमेंट चलता, कई दिनों तक अभियान चलता, बल्कि आज तक अगर आप इलाकों में जाएंगे बुरहान वानी की फोटो दिख जाएगी आपको, कश्मीरी पंडितों के, दर्जनों कश्मीरी पंडितों को अब तक मारा जा चुका है, कितने अभियान कितने मूवमेंट चलाए गए। अगर हम इस टाइम की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर ये रहेगा कि जो इस टाइम पे मुद्दा है कि हम उस पर बात करें, बुरहान वानी की जो बात है कि वो 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं करने की, नहीं ये गलत हो रहा है, मुझे यहाँ पे दुख हो रहा है कि जो वहां पे बच्चे मरे हैं या जो कल से लोग मरे हैं वो भी इंसान ही थे, हम इंसानियत की बात करेंगे, हमें इस चीज पे लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि मर कौन रहा है, नहीं करनी चाहिए,
आप बोलने दीजिए, फिर आप ही बोलिए सबका, हम चुप रहेंगे। हम चुप रहेंगे फिर, आप बोल दीजिए फिर, ठीक है। अंतर ये राजनीति, इन पे ही फोकस कर लीजिए, सरकार को करने दीजिए, सेना को करने, ठीक है। मिश्रा जी जरा सुन लेते हैं, इन पे ही फोकस कर लीजिए। हमने आपके बीच में नहीं बोला ना, बोलिए रूही बोलिए। अगर आप बोलना जानते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, ठीक है। आप यहाँ दिल्ली में बैठ के मत चिल्लाया करो, वहाँ पे देखो ग्राउंड पे हो क्या रहा है, वहाँ पे जो मरे हैं ना उनसे जाके पूछो। 70 साल से हम सुनी रहे हैं, उनसे जाके पूछो। हिंदू मुस्लिम मत करो, जो जाने जा रहे हैं 70 साल से आप ही लोगों को सुन रहे हैं। सबसे पहले इंसान होते है, उसके बाद धर्म होता है। सबसे पहले ये देखो कि वहाँ पे जो हुआ है वो एक इंसान का कत्ल हुआ है। ये चॉकलेटी बातें किसी और को बोलिएगा। चलिए, इंसानियत की बात होती तो मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा कैसे इंसान वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर नहीं, आपको क्या लगता है? हमें वहाँ की खबरें नहीं पता है। ठीक है, छोड़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तोहिन सिन्हा जी, क्या एक जमात फायदा उठा रही है ये डायरेक्ट इस पूरे डिबेट के अंदर भी और पीडीपी की तरफ से? ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। जाते हैं तोहिन सिन्हा, रुकिए। तुषार, ठीक है, मिश्रा जी बोलिए। देख नहीं पा रहा हूँ, जरा बोलने दीजिए। पाकिस्तान की एम्बेसी में ये विपक्ष के लोग ईद की सेवैयां खाने जाएंगे, चाइना की एम्बेसी में ये लोग डोनेशन लेने के लिए या क्या मीटिंग करने के लिए जाएंगे। अरे विपक्ष वाले अगर इतने देशभक्त हैं, इनसे पूछिए पिछले 70 सालों में कभी पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? वहां तो लाल चौक पे ये नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो वहां जाके उन्होंने विरोध किया था। ये लोग इतने देशभक्त हैं, चाइना भी हमें जो है परेशान कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है, तो क्यों नहीं ये लोग एम्बेसी पे जाके 70 सालों में आज तक एक बार इन्होंने विरोध नहीं दर्ज कराया? उल्टा ये टांग लाएंगे सरकार और सेना में। अगर सरकार और सेना काम कर रही है तो उससे ये पूछेंगे, जी आप तो गए ही नहीं थे, आपने काम ही नहीं किया, इसका प्रूफ दीजिए। यानी हमेशा ये सॉफ्ट पॉलिटिकल जो देखिए, मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ सॉफ्ट पॉलिटिकल सपोर्टर और जिहादी, वो ये जो भीतर बैठे हुए हैं, इनको मैनेज करना, इनको टैकल करना सबसे पर, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर लेंगे। किसी वो तो फ्रीडम फाइटर की लड़ाई है, वहां बेरोजगारी की के कारण आतंकवाद फैल रहा है। अरे कश्मीर में बेरोजगारी की प्रॉब्लम होती तो सारे कश्मीरी हिंदू मशीन गन लेके खड़े होते, AK-47 लेकर के आतंकवादी बन गए होते। ठीक है, वगैरह सब बोलिए। क्लियर कट के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? सबसे बड़ी बाधा टेररिज्म वगैरह इन सब चीजों को हटाने में अगर कोई है तो ये सॉफ्ट कॉर्नर है नेताओं का और पार्टियों का। जी, एक बात क्लियर कर देता हूँ भारत की आवाम को। अगर आप चाहते हैं ना जम्मू कश्मीर में ना हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, तो ऐसी नफरत पॉलिटिकल पार्टी जमातें जितनी भी हैं उनको सत्ता देना छोड़ दें, और उनकी वकालत करना वो लोग छोड़ दें जो सेना से रिटायर होकर बैठे हैं बेचारे फ्री में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग मरते हैं ना, आप क्या तो बोल रहे हैं? सरकारें बनी सेना से रिटायर होके बैठे हैं, आपके यहाँ तो आतंकवादी जाके बैठते थे कश्मीर में। अरे चाचा, क्यों इतना घबरा रहे हो? बोलने दो, मीटिंगों में कौन आकर के बैठता था? क्या बोल रहे? अरे चाचा बोलने दो ना यार, बोलने दो ना, इतना मत उछलो ना। मैं भी उछलता था कभी। अब बीजेपी की तरफ से आपको अच्छा चेक मिल जाएगा, बोलने दो मुझे। बात बैटिंग किया करो, हाल जब प्रवक्ता बन जाओ बीजेपी। बोलिए, बोलने दो मुझे, ठीक है। बकार भाटी बोलिए, मेरे पास समय की कमी है वैसे भी। मैं सिंपल, मैं एक ही चीज, सुनिए, एक ही चीज पे बात खत्म कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के, सुनिए सुनिए, जम्मू कश्मीर के मसले का हल कीजिए। जब तक जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं होता, आप 370 खत्म करें, अटानी खत्म करें, जो खत्म करना करें, जम्मू कश्मीर में बोली नहीं रुक सकती। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे।